आईएनडी एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। मध्य प्रदेश की बहुत बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश में फिर एक बार नई सरकार, आज रात 9 बजे आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम पद का शपथ लेंगे। अब बीजेपी सरकार फिर से एक बार आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। कांग्रेस के जो कमलनाथ जी थे अपने मुख्यमंत्री जी, उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था। यहाँ पे आप प्रश्न देख रहे हैं कि नौकरियों पर क्या असर होगा, क्या एमपीपीएससी 2019 पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नौकरियां नियमित होंगी कि नहीं। देखिए जिस तरह से अभी भूचाल एक प्रकार से कहेंगे, एक तो कोरोना वायरस का तो पूरे भारत पर है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मध्य प्रदेश पे भूचाल गिरा था जहां से एक सत्ता पूरी पलट दी थी इन्होंने। ठीक है, मध्य प्रदेश यानी ये कहना चाहेंगे मध्य प्रदेश और बेंगलोर को तो इन्होंने एक कर दिया था, ऐसा लग रहा था कि हम श्यामला हिल से सतपुड़ा भवन जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इस समय की इन्होंने भयावह स्थिति कर दी थी कि एक सरकार को उलट फेर एक प्रकार से कहेंगे, जिसके ऊपर मैंने तख्ता पलट एक शब्द यूज किया था और उसके लिए आप लोगों को वीडियो भी बताया था कि तख्ता पलट हो चुका है मध्य प्रदेश का। आज रात 9 बजे शायद ये शपथ ले सकते हैं। ठीक है, इन्हें बहुमत मिल चुका है, नेता चुन लिए गए हैं, ये चौथी बार सीएम पद का ये शपथ लेंगे। आज बात कर लेते हैं नौकरियों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए बीजेपी सरकार ने पहले भी 27% का विरोध किया था, मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देता हूं, और अब मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पर यह कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार गठित होती है तो मुझे नहीं लगता कि ये और डिले करेगी नौकरियों में, क्योंकि पिछले 1.5 साल से तो कमलनाथ जी ने इतनी नौकरियां दे दी थी कि अपन सब रोजगार में चले गए थे, है ना, तो उनका तो क्या कहना। अब आए हैं अपने शिवराज जी जिन्होंने लगातार 4 साल से एमपीपीएससी में 4 चांद लगा दिए थे, और उम्मीद की जा रही है कि फिर से एमपीपीएससी अंधेरे से उजाले की ओर रुख करेगा। ठीक है, तो एमपीपीएससी 2019 का जो आप लोग बहुत दिनों से परेशान है, जनवरी में इन्होंने पेपर ले लिया था, कुछ लोग तो मुझे क्वेश्चन फोन करके ये कहते हैं कि सर इनको क्या जल्दी थी प्री का पेपर लेने की, कोरोना वायरस और पहले आ जाता तो पेपर और डिले हो जाता, इस तरह के क्वेश्चन हमसे किए जा रहे हैं। ठीक है, तो जो पेपर पहले ले लिया गया था 28 अप्रैल की डेट हाईकोर्ट के द्वारा दी गई है, तो हाईकोर्ट के द्वारा जो डेट दी गई है वो बढ़े हुए आरक्षण पर रोक लगी हुई डेट दी गई है, यानी 14% पे ये रिजल्ट जारी कर सकते हैं। तो क्या स्थिति है, मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं तैयारी मत छोड़िए, 2019 के विद्यार्थी खासकर 31 तारीख तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, सभी संस्थाओं को सभी कोचिंग इंस्टीट्यूटों को बंद कर दिया रखा है अभी, स्थिति सही भी है बंद करना जरूरी है। जैसे अभी की स्थिति में बताता हूं 450 से ऊपर के मामले सामने आ चुके हैं मध्य प्रदेश में, लगभग 23 राज्यों में इसका कहर आप देख सकते हैं। आप लोगों से कहना चाहूंगा इसका मजाक मत बनाइए, ठीक है, एक बार इसको दूर चले जाने दीजिए फिर आप कुछ भी कहिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी स्थिति को समझिए, इसकी बारीकी को समझिए, ये एक वायरस है, कोई आपका मजाक नहीं है कि कुछ भी उठाया कुछ भी कर दिया। ठीक है, कल जिस तरह से स्थिति आप लोग देख रहे हो फेसबुक पे, मैंने अपने पेज पर भी शेयर किया, इंदौर के लोगों को तो क्या नहीं कहना, गुजरात के और इंदौर के लोगों ने तो भाई साहब जुलूस ही निकाल दिया, उन्होंने तो थाली बजाने को बोला तो इन लोगों ने तो पटाखे ही फोड़ दिए। ऐसा कुछ नहीं करना है भैया, लॉकडाउन की स्थिति समझिए, उसका अर्थ समझिए। नौकरियां नियमित होंगी कि नहीं इस पर भी बता देता हूं कि नौकरियां नियमित, देखो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस मुद्दे को उठाया था वो मुद्दा उनका कांग्रेस में पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो किस पर आए हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनकी आपसी राजनीति क्या है उससे अपन को नहीं लेने देना, लेकिन जो मेन मोटिव और मुद्दा था वो यही था। तो याद रखिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हो सकती है कि नियमित हो जाए लेकिन उसमें समय लगेगा, लेकिन अभी जो फिलहाल में नौकरियों पर असर, पिछले कुछ दिनों से एसआई की नौकरी रुकी हुई है, व्यापम पीईबी के माध्यम से जो पटवारी वाली जो वैकेंसी है वो भी रुकी हुई है, कॉन्स्टेबल की भर्तियां रुकी हुई है, मैं कहना चाहूंगा सरकार बन गई है अगर, तो याद रखिए आने वाले 2 महीने के अंदर आप एक प्रकार का उजाला देखेंगे, जो अंधेरा आप लोग अभी 1.5 साल से देख रहे थे ना, बच्चे बहुत बहुत मैं कहूंगा कि इतने परेशान थे, तैयारी तो कर ही रहे हैं लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं परेशान है, और वो परेशानी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब दूर होगी। 28 अप्रैल तक का वेट मत कीजिए, कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट है वो कहेंगे अरे 28 अप्रैल के बाद देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखना 28 के बाद, भैया आप अपनी तैयारी में लगे रहें, 31 तारीख तक आप घर पे हैं, बहुत अच्छा आपको एक मौका मिला है कि 9 दिन आपको किसी से नहीं मिलना है, किसी से कोई संबंध नहीं रखना है, अपने आपको एक कमरे में बंद करना है, लॉकडाउन, एमपीपी पीएससी में सिलेक्शन अगर चाहिए है तो अपने आप को लॉकडाउन करना पड़ेगा। ठीक है, 2019 का सिलेक्शन भी आपको लॉकडाउन करने के बाद ही मिलेगा, अब सरकार के द्वारा नहीं खुद के द्वारा खुद का लॉकडाउन कीजिए और एमपीपीएससी में सिलेक्शन लीजिए, बीजेपी आ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ